केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। रुख करते भागलपुर के तमाम मुख्य खबर की ओर। डीडीसी कुमार अनुराग ने सुल्तानगंज प्रखंड की विभिन्न योजनाओं का पंजी सहित अन्य कागज का जांच करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड ने इंस्पेक्शन को लेकर डीडीसी कुमार अनुराग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, मनरेगा पदाधिकारी कमल चैन, अंचल अधिकारी रवि कुमार सहित अन्य अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के कागजात का जाँच पड़ताल करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। वही तिलकामांझी विश्वविद्यालय में 46वां व 47वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को कार्यक्रम में राज्यपाल रहेंगे मौजूद। भागलपुर विश्वविद्यालय में 46वां व 47वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाएगा। कोरोना को लेकर 46वां दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था, जिसके कारण इस बार दोनों दीक्षांत समारोह एक ही दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्यपाल ने सहमति दे दी है और राज्यपाल दीक्षांत समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। भूदान की जमीन पर अंचल अधिकारी के द्वारा दलबल के साथ नापी करने पहुंचे पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टेटस लगने का कागजात देखने पर भी जमीन का किया नापी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मसदी पंचायत के मसदी मौजा में भूदान की जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टेटस लगने के बावजूद अंचल अधिकारियों द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर भूदान की जमीन को जबरन नापी किया। वहीं इस मामले में भूदान के प्रचाराधारी किसान विजय शाह एवं रविशंकर मंडल ने बताया कि भूदान का जमीन 55 एकड़ 38 डिसमिल जमीन है। उस जमीन में 700 प्रचाधारी किसान हैं। यह सभी प्रचाधारी किसान 1987 ईस्वी से घर बनाकर रह रहे हैं। वही मनरेगा के तहत आवास योजना में मिलने वाले लेबर पेमेंट के गबन का मामला पकड़ाता जा रहा है तूल। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के मनरेगा विभाग में भारी लूट का मामला सामने आया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी स्कीम बिहार के तहत मोटी रकम गबन के बाद इस कदर तूल पकड़ लिया है कि यह बातें अधिकारियों तक पहुंच गई। वही कार्यक्रम पदाधिकारी दिवेश कुमार गुप्ता से जानकारी मिली कि डाटा ऑपरेटर के द्वारा आवास योजना का मजदूरी का पैसा जो आता था, उस पैसे को जिस लाभुक के खाते मिलना चाहिए उस लाभुक को नहीं देकर उस पैसे का ट्रांसफर किसी गैर लाभुक के खाते में भेज दिया जाता है। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बनेगा कई सुविधाओं से लैस हाईटेक पार्क, जल्द होगा कार्य प्रारंभ। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र वार्ड नंबर 43 में कई सुविधाओं से लैस हाईटेक पार्क बनाने को नगर निगम की कमेटी ने इस योजना को पारित कर दिया है और इसकी राशि भी मुहैया की जा चुकी है। कई वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र में मिर्जान हाई स्कूल के पास एक मैदान वर्षों से खाली पड़ा था, जिसे आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उस मैदान को सोचा कि उसमें जल्द बनेगा हाईटेक पार्क। इस मैदान में सौंदर्यीकरण, चार दीवारी, 6 फीट चलने के लिए फुटपाथ के अलावे कई सुविधाओं से लैस इस पार्क को तैयार किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ अगली खबर में, तब तक जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। अरे भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कई कहते हैं, जल्दी दबाओ।